हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों बहुत दिनों के बाद हमारा वीडियो आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ साइक्लोन है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पर कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो लेकर। एंड आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले इस आसी रॉक क्लावर कार को, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में करेंगे इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे, इसका कुछ अच्छा क्या क्या बुरा है सब कुछ बात करेंगे एंड आखिर में टेस्ट ड्राइव भी करेंगे एंड आपके दिमाग में जो जो सवाल आ रहा है सभी के आंसर देंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हो बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं इस रॉक क्रॉलर का। रॉक लीडर नाम है इस स्पेसिफिक कार का। एंड ऊपर देख सकते हो सभी डायरेक्शन में रेडियो कंट्रोल, अच्छे खासा सस्पेंशन एंड 2.4 GHz, यानी काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी दूर तक रेंज है इस कार का। तो चलिए अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले इस साइड से हम करते ओपन, मतलब पहले ओपन किया हुआ तो मैं फिर से आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, हम निकालते हैं सबसे पहले कार को ऊपर एंड नीचे बाकी सारे एक्सेसरीज भी मिल जाएंगे। सबसे पहले कार को हम करते हैं ओपन। ओके, ओपन हो रहा है। ये रहा हमारा कार, काफ़ी बढ़िया लुक है इसका एंड इसका टायर्स भी बढ़िया है एंड बहुत सारे स्क्रूज दिए गए इस कार में। एंड देख सकते हो इसका सामने का तरफ इंजन एंड स्टेयरिंग भी काफ़ी बढ़िया है। इसको हम अभी साइड में रखते हैं एंड चलिए बाकी एक्सेसरीज की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर हमें मिलता है एक रिमोट जो कि 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी के साथ थे एंड नीचे एक और मिल जाता है हमारा चार्जर जो इस कार को चार्ज करने के लिए। एंड इस कार में हमें मिल जाता है एक बैटरी 4.8 वोल्ट 700 mAh का बैटरी, इसको हमने करना होगा चार्ज। तो अभी हम बॉक्स को साइड में रखते हैं एंड इस कार की तरफ चलते हैं, कार का लुक की तरफ। तो कार का लुक काफ़ी बढ़िया है एंड इसका आप देख सकते हो सस्पेंशन आपको अभी दिखा देता हूँ कितना अच्छा है। एंड सामने की तरह ये स्टेयरिंग व्हील है एंड काफ़ी बढ़िया लुक है इसका, मैंने ब्लू कलर में लिया है amazon.in से। एंड इसका ये वाला रिमोट है, इसको आप घुमाने से कार भी घूमेगा एंड बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल है हाथ में पकड़ने के लिए। उसके बाद हमें मिल जाता है ये चार्जर इस बैटरी को, कार के बैटरी को चार्ज करने के लिए। एंड आप इस बैटरी को देख सकते हो 700 mAh का बैटरी है एंड 4.8 वोल्ट का, ये आपको 15 से 20 मिनट तक आराम से प्ले टाइम दे देगा। ओके, इस बैटरी का भी चार्जर में चार्ज करते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसको प्ले टेस्ट। उससे पहले इसका आप सस्पेंसर आपको दिखाई दे, सब कुछ साइड में रखते हैं एंड इस कार का लुक थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। तो इसे तो कितना, मतलब फ्लेक्सिबल है एंड इसका सस्पेंसन काफ़ी बढ़िया है एंड इसका टायर भी बढ़िया है, टायर भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसका सस्पेंशन देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया है, रियल मॉन्स्टर ट्रक की तरह। इसका टायर भी रियल टायर की तरह है, रबर का है एंड काफ़ी बढ़िया इसका फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं पे भी चल सकता है, टेस्ट ड्राइव में आपको दिखेगा ही। एंड सामने की तरफ जो इंजन देख सकते हैं बिल्कुल रियल दिखता है एंड पीछे की तरफ भी लुक काफ़ी बढ़िया है ऊपर हो। ओके, अब गाड़ी का लुक देख सकते हो। सबसे पहले हम इसको चार्जर से चार्ज करते हैं, कैसे करना है वो आपको अभी दिखा देते हैं। इस प्लग को इस पर डालना पड़ेगा एंड आपके बोर्ड से चार्ज हो जाएगा, सही पे डालना होगा एंड इसका लॉक हो जाएगा। देख सकते हो लॉक हो गया हमारा, हमें हम चार्ज करते हैं फुल चार्ज। उसके बाद हम करेंगे इसका टेस्ट ड्राइव एंड सबसे पहले इसको स्क्रू ओपन करके इसमें बैटरी, 3 AAA बैटरीज लगते हैं एंड इस कार में भी बैटरी लगते हैं। तो अभी हम बैटरी लगा देते जल्दी से एंड ये ऑन ऑफ स्विच है, तो कार में हम जल्दी से बैटरी लगा देते हैं। तो ये रहा कार, हम इसमें जल्दी से बैटरी लगा देते हैं। तो हमारा बैटरी भी लग चुका है, अभी हम करेंगे इसका टेस्ट ड्राइव। इसको ऑन ऑफ स्विच, इससे हम ऑन होता है, देख सकते हो ऊपर LED लाइट्स जलते हैं गाड़ी के अंदर एंड काफ़ी बढ़िया दिखता है एंड सामने की तरफ हेडलाइट नहीं है। एंड रिमोट को ऑन करते हैं एंड ब्लिंकिंग बंद हो गया, अभी हम करते हैं इसको प्ले। रिमोट का क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही फास्ट। ये है राइट एंड लेफ्ट जाने के लिए व्हील। तो अभी हम करते हैं प्ले, हम काफ़ी जगह पर प्ले करेंगे, ऑन रोड एंड ऑफ रोड। सबसे पहले आप ऑन रोड देख लीजिए।
अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के कुछ अच्छे बात और कोई बुरी बात। इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छे लगे, जैसे कि वाटर प्रूफ है एंड इसकी बैटरी लाइफ भी ज़्यादा है, 15 से 20 मिनट मिलता है। इसका चार्जिंग टाइम आपको 3 घंटे चार्ज करना पड़ेगा एंड ये 15 से 20 मिनट चलेगा। एंड इसका सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत ही हार्डी है एंड बहुत ही अच्छा है। एंड जो इसका मेन जो ख़राब चीज़ लगा ये चीज़ की, कि इसका बैटरी बार बार निकालना पड़ता है चार्जिंग के लिए, तो ये चीज़ थोड़ा सा ख़राब लगा मुझे। बाकी बहुत ही अच्छी गाड़ी, आप बिल्कुल ले सकते हैं इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों वीडियो पसंद है पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो।